गोंडा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लगातार कोरोना के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। कोरोना का कहर गोंडा में देखने को मिल रहा है और कोरोना विस्फोटक अब गोंडा जिले की हम बात करें तो वहां पर देखने को मिल रहा है। और मुंबई से आने वाले 7 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, तो वहीं गोंडा सीएमओ ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। और लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव मरीजों को गोंडा कोविड हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। गोंडा रेलवे स्टेशन में चेकिंग के दौरान ये कोरोना पॉजिटिव की जो पुष्टि हुई थी, तो ऐसे बता दें आपको कि गोंडा जिले में लगातार अब मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। मुंबई से 7 लोग आए थे जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खुद गोंडा सीएमओ ने इस बात की पुष्टि की है। तो लगातार गोंडा में भी अब कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है और लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। ये कह सकते हैं कि गोंडा जिले में भी एक बार फिर से कोरोना विस्फोटक हो चुका है। और मुंबई से हाल ही में 7 लोग आए थे जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, गोंडा सीएमओ ने खुद इस बात की पुष्टि की और उन 7 मरीजों को कोविड अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। गोंडा से हम आपको खबर बता रहे हैं जहां पर कोरोना का कहर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। लगातार कोरोना के मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं और हाल ही में मुंबई से 7 लोग आए थे जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अतुल कुमार यादव हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अतुल, पूरी जानकारी दीजिए, गोंडा में किस तरीके से कोरोना के मामले अब बढ़ रहे हैं और क्या कुछ वहाँ पे इसको रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। गोंडा में एक बार फिर से कोरोना अपना पैर पसारना शुरू कर, इस तरीके से जो कल एक ट्रेन से यानी एलटीटी एक्सप्रेस से कुछ यात्री हैं जो मुंबई से गोंडा रहे थे, जब उनकी गोंडा स्टेशन पे जांच की गई तो उसमें करीब 7 लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन सभी लोगों की जांच रिपोर्ट आने के बाद सभी को गोंडा कोविड हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिए गए। और भी जो अन्य यात्री थे उनका भी सैंपल लेकर के जांच की गई। फिलहाल जो गोंडा का जिला प्रशासन है लगातार स्टेशनों पे लगातार जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनकी जांच करके उनको अलग क्वारंटाइन कर रहा है ताकि कोई भी ऐसी बड़ी घटना ना हो सके। जिस तरीके से पिछले दिनों भी 2 यात्री गोंडा स्टेशन पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद ही उनको एहतियातन के तौर पर कोविड हॉस्पिटल एडमिट किया गया। उसके बाद ही कल जो करीब मुंबई से काफी यात्री आए थे उनके में 7 लोग पॉजिटिव मिले, जिसमें 2 जो यात्री हैं वो गोंडा के हैं और 5 यात्री जो बलरामपुर के हैं वो गोंडा स्टेशन में उतरे थे। उसके बाद उनमें जब कोरोना की पुष्टि हुई उनको गोंडा कोविड हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, यहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। और वहीं गोंडा के जिलाधिकारी है मारकंडे साहब ने साफ तौर से जनपदों से अपील की है कि आप सभी लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि जिले में जो कोरोना के मरीज हैं वो ना बढ़ सके। चलिए, धन्यवाद अतुल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।